हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक और टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का। इसके जो पहले जो टॉपिक्स हैं और चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस जो कवर्ड हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के मैंने कवर किए हुए हैं। तुम लोगों ने उन क्वेश्चंस को प्लेलिस्ट में बहुत ही सीक्वेंस से जो दिए हुए हैं उनको जरूर रेफर कर लेना है, क्योंकि बोर्ड्स के पहले तुम्हारे वो सारे क्वेश्चंस हाथ से अच्छे से निकले होने चाहिए। लिख के तुम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स बिना लिखे नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जैसे नया वीडियो आएगा तुम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली आ जाएगी। तो शुरू करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन हमारा। तो लिखा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, ये जो दिया हुआ है दिस इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब जब हमारा क्वेश्चन लॉग में है तो एक और चीज ध्यान रखनी होती है हमने। पहले मैं क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो लिखते हैं हम। सो इट इज 4 log 2 plus x minus 4 upon 2 plus x, ठीक है। सो दिस इज द गिवन कर्व। अब इस केस में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई इंटरवल नहीं बताया, रियल नंबर्स भी कुछ नहीं बताया, तो तुमने देखना है कि ये जो फंक्शन दिया है इसकी डोमेन क्या है, ठीक है। तो डोमेन पहले देखनी है, उसके बाद इंटरवल्स हमने देखने हैं। तो लॉग के लिए हम देखते हैं लॉग कब डिफाइंड है। कई बार क्वेश्चन में हमें साइड में लिखा होता है तो हम उसके बेसिस पे लेते हैं, लेकिन कई बार हमें खुद हमें फाइंड करना पड़ता है। तो क्या है लॉग 1 प्लस एक्स, तो हमने पहले फाइंड करना है इसकी डोमेन। डोमेन में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सा है, बस लॉग के साथ जो लिखा है उसको तुमने देखना है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां पर भी लॉग है तो 2 plus x should also be greater than 0। यहां पे 2 plus x है तो तुमने बस इसके लिए लिखना है कि 2 plus x should not be 0, क्योंकि 0 अगर नीचे होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां से क्या आ गया, x should be greater than -1। यहां कितना आ गया, x is greater than -2। यहां आ गया x is not equals to -2। तो अगर हम ऐसे देखते हैं नंबर लाइन, नंबर लाइन पे नंबर्स ले लेते हैं ये वाले -2 क्योंकि पहले है, फिर ये -1 है और -2 इधर ही आ गया। ये कहते हैं कि x किससे बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। ये कह रहा है कि -2 से भी बड़ा होना चाहिए, वो कहता है -2 लेना ही मत, ठीक है। तो इसका मतलब है बेसिकली हमने वो पोर्शन कंसिडर करना है जहां पे दोनों रेड लाइन मुझे नजर आ रही है। तो कौन सा पोर्शन है कि x शुड बी ग्रेटर देन -1, यानी अब हमने लेना है देयरफॉर इंटरवल फॉर द क्वेश्चन फॉर द गिवन कर्व। इंटरवल की बजाय हम डोमेन यहां पे लिखते हैं, तो डोमेन फॉर द गिवन कर्व इज -1 से इंफिनिटी, क्योंकि -1 से ये इंफिनिटी तक से चला जाना है, ठीक है। अब हमारा डोमेन पार्ट हो गया। अब हमने नॉर्मल जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जब बाकी के स्टेप्स वो फॉलो करते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इसको 1 मेंशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -3 कॉन्स्टेंट है और लॉग का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x, chain rule के according इसका derivative 0 plus 1 हो गया, ठीक है। plus 4 into इसका लिखेंगे, यहाँ पे ये bracket close हो गया, और इसके लिए जब लिखा तो this is 1 upon 2 plus x into 2 plus x का लिखेंगे तो 0 plus 1, इसको ना भी लिखो लेकिन अभी समझाने के purpose से मैंने लिख दिया है। then इस वाले part के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं -4 into इसका, या तो डिवीजन रूल लगा लें तो इसका -4 इंटू 1 है तो 1 अपॉन, तो आ गया 0 इंटू 2 प्लस एक्स माइनस दिस इज 1 इंटू 2 प्लस एक्स का जब करेंगे तो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं साथ में कि डोमेन क्या थी हमारी, डोमेन -1 से इंफिनिटी, ठीक है। अब इसको
f dash of x is equal to, ये पहला है minus 3 upon 1 plus x, क्योंकि numerator इधर 1 ही हो गया, plus 4 upon x plus 2 या 2 plus x, इसका क्या क्या आ गया, this is minus 4, bracket में you can see, ये तो 0 into anything is 0, ये आ गया minus 1, this is minus 1 upon x plus 2 का square, ठीक है, so it is minus 3 upon x plus 1 plus 4 upon x plus 2, ये भी हो गया plus 4 upon x plus 2 का whole square, ओके, अब LCM हमने लेना है इसका, LCM लिया, तो देखना हमने क्या terms आई हमारी, तो LCM you can see it is x plus 1 into x plus 2 का whole square, तो यह आ गया minus 3 into x plus 2 whole square plus 4 into x plus 2 into x plus 1, LCM अब सिंपल हम ले रहे हैं, then plus, जैसे हम करते हैं कि x plus 2 से divide किया, तो क्या क्या बच गया, वो numerator से, इसको ऐसा divide किया, ये बच गया, so it is 4 into x plus 1, so it is minus 3 into, इसका whole square कर लिया, तो x square plus 4x plus 4, plus 4 into, इसको लिखेंगे, तो x square plus 2x, plus x plus 2, this is 4x plus 4 divided by x plus 1 into x plus 2 whole square, denominator already factors में है, उसको तुम लोगों ने bracket open नहीं कर देना कभी से भी, अब numerator को और simplify किया, bracket किया open, so minus 3x square minus 12x minus 12, इसको लिखा 4x square, ये मिला के कितना हो गया, 3x, तो 3x into 4 हो गया, 12x, 4 2s इधर हो गया 8, this is 4x plus 4 divided by x plus 1 into x plus 2 का whole square, तुम देख सकते हो 12x से 12x cancel हो गया, ठीक है, 8 इधर है, 8 plus 4, 12 हो गया और ये minus 12 cancel हो गया, तो minus 3x square और ऊपर क्या टर्म बच गया हमारी, plus 4x square, तो कितना हो गया यहाँ पे देखो तुम लोग, तो f dash x is इनको दोनों को जब हमने लिखा this is x square divided by x plus 1 into x plus 2 का whole square, clear? अब sorry plus 4x भी इधर बचा हुआ है, so plus 4x, okay? Now इसके बाद यहाँ step आने के बाद हमने देखना है कि क्या common है यहाँ पर, तो factors बनके हमारे पास ऐसा expression आ गया, so it is x plus 1 into x plus 2 का square, इसको equation 2 हमने ले लिया, ठीक है ना, अब increasing decreasing के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले derivative निकाला फिर उसको 0 के equal कर दिया, तो 0 के equal कर दिया तो आ गया x into x plus 4 divided by x plus 1 into x plus 2 का whole square equal to 0, cross multiply कर दिया तो x into x plus 4 is 0, so it is x is equals to 0 और x plus 4 is 0, तो x की value 1 तो 0 आ रही है, दूसरे से x की value कितनी आ गई हमारी minus 4, तो यहां से हमने लिख देना है x is equals to minus 4, पर domain हमारी थी minus 1 to infinity, so this does not belongs to minus 1 to infinity domain, इसका मतलब है neglect कर देना है, okay, इसका मतलब है सिर्फ value x is equals to 0 आ गई, जो कि belong करती है minus 1 to infinity को, अब हमारे पास interval जो था वो कहां से शुरू था, minus 1 से लेकर infinity तक, ये 0 बीच में आ रहा है, तो ये 0 से लिया, तो दो intervals बन गए, कौन कौन से interval, एक minus 1 से 0 और दूसरा 0 to infinity, अब हमने दोनों intervals में check करना है, इस वाले part को मैंने यहां लिख देना है, f dash x, this is x into x plus 4 divided by x plus 1 into x plus 2 का whole square, ठीक है, ये हमारी जो equation 2 थी, अब हमें increasing decreasing बताना, तो इसके लिए हम table एक बना लेते हैं, तो table में क्या लिख देते हैं, पहले ही हम लोग interval, interval हमने लिख दिया, और
f dash x क्या है हमारा वो हमने लिख देना this is x into x plus 4 divided by x plus 1 into x plus 2 का whole square इसके बाद हमने conclusion लिख देना ठीक है सो पहला इंटरवल हमारा क्या है जैसे मैंने बताया ये माइनस वन से जीरो माइनस वन से जीरो के बीच में कोई वैल्यू तुमने सोचनी है ठीक है कोई भी वैल्यू अगर माइनस वन से जीरो के बीच में लेंगे लेट अस से माइनस हाफ लिए हमने तो क्या वैल्यू मैंने बताई माइनस हाफ ये तुमने वैल्यू को पुट नहीं करना है सिर्फ वहां पे रख के देखना है कि पॉजिटिव रिजल्ट या नेगेटिव कैलकुलेट नहीं करना हमने पूरा तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे जो वैल्यू रखी तो कितना आएगा तुमने देखना है तो यहाँ हम साथ साथ पुट कर रहे हैं माइनस हाफ जब पुट किया तो ये नेगेटिव हो गया और माइनस हाफ प्लस फोर तो पॉजिटिव है डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस वन ये भी पॉजिटिव माइनस हाफ प्लस टू पॉजिटिव है स्क्वायर भी हो गया तो पॉजिटिव ये सारे नीचे तो पॉजिटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव कितना आ गया ना दिस इज नेगेटिव सो दिस इज नेगेटिव नेगेटिव का मतलब हो गया लेस देन जीरो जब भी डेरिवेटिव लेस देन जीरो है दैट मींस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है माइनस वन टू जीरो दूसरा हमारा कौन सा है इंटरवल दूसरा इंटरवल यू कैन सी इट इज जीरो से इंफिनिटी के बीच में फिर से हमने लेना कोई वैल्यू अब जीरो से इंफिनिटी में हम वन ले सकते हैं कोई भी नंबर तुमने अज्यूम किया फिर इसमें पुट करना है हमें तो एफ डैश एक्स वन पुट करने से कैन सी इट इज पॉजिटिव वन इसमें पुट किया तो भी पॉजिटिव और इसमें दोनों में पुट कर रहे हैं तो देखो पॉजिटिव ही आ गया तो पूरा का पूरा रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा पॉजिटिव तो इसका मतलब है ग्रेटर देन जीरो जब भी ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम क्या कंक्लूड कर लेते हैं कि द फंक्शन बस ध्यान रखना है तुमने एफ डैश एक्स यहाँ तो एफ एक्स को हमने क्या कंक्लूड कर लेना है एफ डैश एक्स हमारे जैसे आ गया तो हमने लिखना है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है जीरो टू इंफिनिटी तो जब तुम लोगों ने एंड में आंसर लिखना है तो देखो ध्यान से इसे एक स्टेटमेंट जरूर लिख देनी साथ में देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में था माइनस वन टू जीरो एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल जीरो से इंफिनिटी ठीक है बच्चे तो अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो सो दैट जैसे नया वीडियो आएगा तुम लोग के पास नोटिफिकेशन इमीडिएटली आ जाएगी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट